हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं MGMCET 2021 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। जी हाँ गाइस, MGMCET 2021 एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिलीज हो चुका है। किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर क्या है, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि अगर इनकेस कोई भी नया अपडेट या नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आप लोगों को नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए MGMCET के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के प्रोसेस को। तो आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करना है तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। तो सबसे पहले प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना, इसे मैं जूम कर दूँ ताकि आप लोगों की विजिबिलिटी बढ़ जाए। देन आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना होगा, उसके बाद गाइस कैंडिडेट नेम एज पर आपके 12th के सर्टिफिकेट या हॉल टिकट के जो है बेस पे आपको यहाँ पे एंटर करने होंगे। कैंडिडेट मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। देन यहाँ पे गाइस कैंडिडेट ईमेल आईडी या फिर पेरेंट्स की ईमेल आईडी, जहाँ पे मैं मेरी ईमेल आईडी एंटर कर दे रहा हूँ। देन आप लोगों को यहाँ पे जो एक पासवर्ड सेट कर देना है, वही पासवर्ड री एंटर कर देना है कंफर्मेशन के लिए गाइस आप लोगों को, और उसका सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। अब गाइस जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे अगर आपने पासवर्ड जो है छोटा डाला होगा 8 कैरेक्टर से, तो यहाँ पे आपको जो है बड़ा करने कहा जाएगा। तो यहाँ पे जो मैं कैरेक्टर्स बढ़ा देता हूँ और फिर अगेन सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ, तो गाइस अगर आपकी सारी डिटेल्स जो है वैलिड रहेगी यहाँ पे, तो गाइस इस तरह से आपके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा जिसमें कहा जाएगा आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हो। फिर सिंपली आपको ओके पे क्लिक कर देना होगा, तो आप लोग इस तरह से लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर एंटर कर देना होगा। देन यहाँ पे गाइस आपने जो पासवर्ड सेट किया है, सिंपली वो पासवर्ड यहाँ पे आप लोगों को जो एंटर करके लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप लोग जो इस तरह से आप लोगों के सामने देख सकते, इस तरह से आपके सामने जो अपने प्रोफाइल में आ जाएंगे और यहाँ पे गाइस आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखा देगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म पे जो कर देना होगा क्लिक, जैसे आप स्टेप वन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने पहले जो नोटिफिकेशन जहाँ पे स्टेप्स दिए थे उस स्टेप्स पढ़ लेना है। देन सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये पूरा के पूरा एप्लीकेशन आपको सिंपली फिल कर देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना फादर डिटेल फादर का नाम एंटर कर देना होगा, मदर्स नेम एंटर कर देना है। देन यहाँ पे आप लोगों को जो अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना, तो डेट मंथ देन आपको ईयर एंटर कर देना होगा। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है आप लोगों की, डोमिसाइल आपका सेलेक्ट कर लेना, आप लोगों का जेंडर सेलेक्ट करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी और आपका आधार कार्ड नंबर गैस आप लोगों को यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे गैस आपको जो अपना कंप्लीट एड्रेस एंटर कर देना होगा, किस सिटी से बिलोंग करते सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे एंटर कर देना होगा, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे कौन से स्टेट से आप यहाँ पे बिलोंग करते हैं। देन गैस वहाँ का पिन कोड एंटर कर देना होगा, परमानेंट एड्रेस सेम है तो सिंपली यहाँ पे टिक कर देना, दोनों एड्रेस सेम एज इट इज़ हो जाएंगे। अब गैस यहाँ पे आने के बाद क्वालिफिकेशन डिटेल एंटर कर देने के, मीडियम और इंस्ट्रक्शन क्या था, इंग्लिश था, जो भी मीडियम था वो एंटर कर देना होगा। बोर्ड कौन सा था, किस बोर्ड से आपने किया, बोर्ड का नाम यहाँ पे आपको एंटर कर देना होगा। कॉलेज या स्कूल आपकी जो भी रही होगी उस स्कूल का नाम यहाँ पे एंटर कर देना, ईयर ऑफ पासिंग आपको एंटर कर देना होगा, परसेंटेज आपका कितना था वो यहाँ पे एंटर कर देना है। देन 12th के लिए अपियरिंग या पास हो चुके वो आपको सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा, और क्योंकि थर्ड ऑप्शन है तो यहाँ पे थर्ड आपको भी एंटर कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि बोर्ड यहाँ पे भी एंटर देना, तो मैं CBSE का देता हूँ, स्कूल या कॉलेज का जो भी नाम है वो नाम एंटर कर देना होगा। फिर ईयर ऑफ पासिंग तो है नहीं, करेंटली आप यहाँ पे अपियरिंग हो या फिर अपियर्ड हो चुके हो तो जो भी आपको यहाँ पे वो एंटर कर देना होगा। देन आपको यहाँ पे स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना, लाइक यहाँ पे साइंस स्ट्रीम से आप थे या जो भी सेम, और अगर आप पास हो तो सिंपली पास पे क्लिक करना, तो यहाँ पे परसेंटेज का भी ऑप्शन आ जाएगा, परसेंटेज एंटर कर देना होगा। प्रीफ्रेंस सेलेक्ट कर लेना, आप लोगों को फर्स्ट ईयर चाहिए, लेटरल एंट्री चाहिए, या लेटरल एंट्री चाहिए तो लेटर सेलेक्ट करना, फर्स्ट ईयर तो फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करना होगा। लेटर एंट्री किस में चाहिए गाइस यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लेना होगा। 2000 रुपीज़ आपका जो एप्लीकेशन फीस रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कॉलेज कैंपस सेलेक्ट करना, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट प्रीफ्रेंस नवी मुंबई, सेकंड प्रीफ्रेंस यहाँ पे मैं औरंगाबाद दे दूंगा। देन यहाँ पे आपको CET एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेना होगा, और उसके बाद यहाँ पे अपना फोटोग्राफ अपलोड करना, तो सिंपली क्लिक यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। जिस भी लोकेशन में फोटोग्राफर गए उस लोकेशन पे आपको जाके अपना फोटोग्राफ सिंपली यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद सेम सिग्नेचर के लिए सिग्नेचर पे क्लिक करना है, जिस भी लोकेशन में आपका सिग्नेचर है सिग्नेचर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे गैस आपका सिग्नेचर आ जाएगा और आप यहाँ पे जो अपना एक्सेप्ट पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म सेव करके एप्लीकेशन फी पे करके आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सो गैस अगर ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नॉलेजेबल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।